एक अभ्यर्थी के लिए शिक्षक दिवस महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसके माँ बाप, उसके परिवार सबकी उम्मीदें होती हैं कि उनका बच्चा उनसे कुछ बड़ा करेगा, उनसे बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। और आज के समाज के दौर में देखा जाए तो सरकारी नौकरी सबके लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक माँ बाप ये चाहते हैं उनकी बिटिया, उनका बेटा अपने योग्यता के आधार पर एक बेहतर, एक बढ़िया सरकारी नौकरी पाए। लेकिन एक बेटा बेटी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पूरे जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो इस रेस से बाहर हो जाते हैं। कभी परिस्थितियों की मार उनके ऊपर, कभी उनके ऊपर बेरोजगारी की मार, कभी बढ़ती भीड़ की मार। बढ़ती भीड़ की वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, बहुत बार ऐसा होता है खुद में टूट जाते हैं, खुद में बिखर जाते हैं और कुछ उसमें भी निखर जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी उन सभी में निखर कर सामने आए। जीवन में हमेशा सबके साथ कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से संघर्ष रहता है, संघर्ष के तूफान रहते हैं, हमेशा संकट के बादल छाए रहते हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती कि अगली समस्या हमारे लिए पैर पसारे रहती है, लेकिन फिर भी इन सभी से उठकर हमें अंतिम रूप से सफल होता। हम मध्यम वर्गीय परिवार से, हमारे लिए नौकरी सब कुछ है, लेकिन कई बार हम सरकार को, परिवार को, समाज को, अध्यापक को, खुद को कोसते हैं। लेकिन समय से पहले भाग्य सजा था और आपकी मेहनत के हिसाब से ही हमेशा आपको मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कुछ कहते हैं, सर मैं भी सरकारी शिक्षक बनना चाहता हूं, मैं भी सरकारी नौकरी करना चाहता हूं, मैं क्या करूं, भर्ती ही नहीं आ रही है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, अगर आप सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर सबसे पहले धैर्य होना चाहिए और धैर्य के साथ लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टोप टोप से घड़ा भरती है। बचपन से हम खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ते आ रहे हैं। खरगोश तेज से भागता है, सोचता है मैं जल्दी से नौकरी पा जाऊंगा, लेकिन बीच में सो जाता है। लेकिन खरगोश दिन प्रतिदिन धीरे 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 लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, और अंत समय जब परिणाम की घोषणा होती है तो फिर से कछुआ विजयी होता है और खरगोश फिर हारता है। आज का भी समय वही है, आपका सिचुएशन वही है। आज भर्ती सामने नहीं है, कुछ खरगोश की भांति सो गए हैं कि अब भर्ती के नजदीक है, जैसे भर्ती आएगा कूद कर पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जो कछुए की चाल से दिन प्रतिदिन लगातार पढ़ते चल रहे हैं, 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 पढ़ते चल रहे हैं। उनको भी कभी कभी वो भी खुद से टूट जाते हैं, यार भर्ती नहीं आ रही, कहाँ पढ़े, घर से पैसे नहीं मिलते। बहुत बार ऐसे होते हैं परिवार भी सवाल उठाने लगता है, बेटा अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे, बेटी अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। उस समय भी खुद को संवारिएगा, दो रोटी कम मिलेगी, लेकिन कभी खुद से, खुद की पढ़ाई से कभी समझौता मत करेगा, क्योंकि आपकी कछुआ रूपी पढ़ाई चाल एक दिन आपको इस नौकरी रूपी प्रतिस्पर्धा में आपको विजयी बनाएगी। इसलिए कभी खुद से मत हारिएगा। यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको हरा सके, और आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक सफल व्यक्तित्व के रूप में निखर कर आएंगे और लोग आपका मिसाल देंगे, लोग आपका उदाहरण देंगे। लेकिन कब, जब आप खुद पर काबू रखेंगे, खुद पर संयम रखेंगे और मेहनत पर ही विशेष ध्यान देंगे। जरूरी नहीं है कि एक शिक्षक से पढ़े, अध्यापक से पढ़े और आपको नौकरी मिले, लेकिन ये जरूर जरूरी है अगर आपने खुद से मेहनत किया, खुद से पढ़ा। अध्यापक हमेशा एक पथ प्रदर्शक होता है, वो हमेशा आपको रास्ते बताने का प्रयास करता है, वो ये बताता है किस रास्ते से चलने पर आपको मंजिल मिल जाएगी, किस रास्ते पर आपको नहीं जाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन मेहनत आपको ही करना होता है, पढ़ना आपको खुद ही होता है। इसलिए कभी भी खुद से मत हारिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप एक रेस के घोड़े हैं, और आपकी रेस तब तक है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हमसे पढ़कर, हजारों टीचर हैं, वो ये सोचते हैं कि अब तो मेरी मंजिल पूरी होगी। जी नहीं, अभी भी आपके पास मौका है, आप कुछ और बड़ा कर सकते हैं। ये तो शुरुआत है, ये सफलता की आपकी पहली सीढ़ी है, अभी तो आपको और ऊंचाइयों पर जाना है।
आप अभी भी आप मेहनत करते रहिए और आप सब मेहनत करते रहिए, यकीन मानिए यह आपकी मेहनत आपके द्वार पर एक दिन सफलता की बड़ी सौगात लेकर आएगी। इसी के साथ हम पुनः आप सभी को इस शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आज खुद से खुद में एक वादा करिएगा, खुद से खुद में खुद के लिए एक वादा करिएगा कि जब तक हम आप सफल नहीं होंगे मेहनत में कोई समझौता नहीं करेंगे, पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है आपकी मेहनत आपकी लगन एक दिन इस दुनिया के इतिहास के झरोखों में याद रखेगी। बस अपनी कलम की ताकत को बनाए रखिएगा। आप सभी को इस शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी हमेशा अपनी मेहनत के बल पर अपने माता पिता के आशीर्वाद से लगातार नित प्रतिदिन ऊंचाई पर बढ़ते जाएं और एक दिन सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।